हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑन टेक्नोलॉजी में। आज हम इस वीडियो में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं वो देखेंगे। उसके लिए सिंपल सेटिंग्स है जो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, उस कैसे आप उसको चेंज करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का इस परफॉर्मेंस स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं वो खुद से नोटिस कर सकते हैं। सो उसके लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स, ये क्या होता है आप अभी देखिएगा। सो उसके लिए हम लोग स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पर जाएंगे और देखेंगे अपडेट एंड सेटिंग्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड की ओर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पर एक डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का विंडो खुला हुआ है। इसका मेन काम क्या है कि आप जब इंटरनेट में कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये दूसरे पीसी, जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति जो सेम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है तो उसके पीसी से वो डेटा इंटरनेट पे अपलोड करके आपके पीसी में डाउनलोड करके देता है। ये तो हुई इसकी अच्छी बात, लेकिन आप ये दूसरा पैराग्राफ में देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है। जिस तरह से आप दूसरे के लैपटॉप से या कंप्यूटर से डेटा अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरह से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में से डेटा दूसरा कोई व्यक्ति भी यूज कर सकता है इंटरनेट की मदद से। सो आप जो ये एलो डेटा फ्रॉम अदर पीसी जो ऑन है इसको आप ऑफ कर दीजिए। उसके बाद ये नीचे देखेंगे एडवांस ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं डाउनलोड सेटिंग एंड अपलोड सेटिंग। इस पर हम लोग अपलोड सेटिंग इधर 50% एंड इधर 500 GB दिखा रहा है, इसको आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इधर क्लिक करेंगे, इसको नीचे कर देंगे 5% एंड इसको 5 GB। इस तरह से आप लोग इसको कर देंगे तो ये लिमिट पूरा होने पर ये दूसरे के लिए डेटा अपलोड करना छोड़ देगा हमारे कंप्यूटर से। सो इसको हम लोग इस तरह से सेट करके इसको अनटिक कर देते हैं और इसको ऐसे ही रख सकते हैं। और ये सेटिंग्स करने के बाद आप अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लेना जिससे कि ये सेटिंग्स सेव हो जाए। उसके बाद हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे जिससे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि नहीं, ये हमारा कंप्यूटर विंडो 10 में जो ऑलरेडी बिल्ट इन रहता है ये सेटिंग्स, जिसकी थोड़ी सी चेंज से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सो उसके लिए फिर से हम लोग सेटिंग्स में ही जाएंगे और सिस्टम्स में जाएंगे इधर, और नीचे हम लोग देखेंगे इधर लेफ्ट साइड में पावर एंड स्लीप, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग इधर राइट साइड में देख सकते हैं रिलेटेड सेटिंग्स, जिसके नीचे है एडिशनल पावर सेटिंग्स, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इधर हम लोग देख सकते हैं पावर ऑप्शंस का ये एक विंडो खुल चुका है और इधर अभी पावर सेवर में टिक लगाया हुआ है। आप कोई यदि कंप्यूटर का स्पीड बढ़ाना है तो आप इधर हाई परफॉर्मेंस में टिक लगा सकते हैं और इस सेटिंग्स में रख सकते हैं। अभी मैंने इस हाई परफॉर्मेंस में टिक लगाया है, तो इसे ही आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पीड बढ़ा सकते हैं ये ऑप्शन चूज करके। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। अब हम लोग तीसरा तरीका देखेंगे जो है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो इस सेटिंग्स को हम लोग कैसे चेंज या मिला सकते हैं वो देखने के लिए हम फिर वही सेटिंग्स पर जाएंगे और सिस्टम में जाएंगे। उसके बाद ये नीचे देखेंगे अबाउट, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एक अबाउट का विंडो खुल के आएगा तो हम लोग इधर राइट साइड पर रिलेटेड सेटिंग्स देख रहे हैं। उसके नीचे हम लोग एडवांस सिस्टम सेटिंग्स भी देख सकते हैं, लेकिन इस विंडोज में अभी इधर नहीं दिखा रहा है। सो हम लोग इधर सिस्टम इन्फो पर क्लिक करेंगे तो इधर देख सकते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, तो हम लोग एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये परफॉर्मेंस जो लिखा हुआ है ये इधर सेटिंग्स है, उस पर हम लोग क्लिक करना है। सो उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इधर लेट विंडो चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है कि मेरे कंप्यूटर के लिए क्या बेस्ट है वो विंडो खुद ही चूज करके दिया हुआ है ये सब। तो आपको यदि बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो इधर आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर टिक कर सकते हैं, तो ये सब टिक हट के चल गया है। आप कस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको स्पीड ज्यादा चाहिए तो आप
एचएस 4 बेस्ट पर कीजिए। उसके बाद इधर कस्टम भी सिलेक्ट कर लीजिए बेस्ट के लिए। उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट इस पर एंड सो हम नेल्स इंस्टीड ऑफ आइकन इस पर चूज करके आप अप्लाई पर क्लिक करना और ओके कर दीजिए, हो जाएगा। तो इसको हम लोग अब कैंसिल कर देते हैं। अब हम चौथा तरीका देखेंगे जो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। अब इस पर हम लोग क्या सेटिंग्स करना है वो देखेंगे। उसके लिए हम लोग सर्च में SYSTM सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये ऊपर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नाम का ये ऐप जो है वो दिखा रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो हम लोग ये देख सकते हैं एक विंडो खुल के आया है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इस पर हम लोग इधर बूट लिखा हुआ देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग एडवांस ऑप्शन देख सकते हैं, उस पर क्लिक करना है। अब इधर नंबर ऑफ प्रोसेसर अभी 1 दिखा रहा है, इधर नंबर ऑफ प्रोसेसर पर टिक लगाना है और ये 1 जो लिखा है उसके बगल पर इधर एरो है, इस पर क्लिक करना है। तो हम लोग इधर देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर्स हैं। आप मैक्सिमम पर चूज करना है और इसको अनटिक कर देना है। उसके बाद आप इसको ओके कर देना है और इधर आप अप्लाई करना है और ओके करना है। तो ये आपको रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। रीस्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं वो सेटिंग्स आप में सेव हो जाएगा और आपका कंप्यूटर का स्पीड भी फास्ट हो जाएगा। अभी मैं ये रीस्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी इससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ये सेटिंग्स करके रीस्टार्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ कि नहीं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम पांचवा तरीका देखेंगे जिसको अप्लाई करके आप अपने कंप्यूटर का स्पीड बढ़ा सकते हैं। वो तरीका है प्राइवेसी सेटिंग्स का। जो हम लोग इधर फिर से सेटिंग्स स्टार पर जाकर सेटिंग्स पर जाएंगे तो इधर देखेंगे प्राइवेसी, उस पर क्लिक करेंगे तो इधर हम लोग देख सकते हैं ये जनरल में चेंज प्राइवेसी ऑप्शंस। हम लोग इन चारों को ऑफ कर देना है जिससे कि ये आपका डेटा यूज ना करे, एनर्जी यूज ना करे, इससे आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। तो इस सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। यदि आपको नहीं लगता कि ये सेटिंग्स चाहिए तो आप इसको ऑन ही रहने दे सकते हैं। सो ये सेटिंग्स भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम लोग छठवां तरीका देखेंगे जिसके मदद से भी आप अपने कंप्यूटर का स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वो है डिस्क क्लीन अप। सो वो सेटिंग्स यूज करने के लिए हम लोग इधर सर्च पर डिस्क क्लीन अप लिखेंगे तो ये ऊपर डिस्क क्लीन अप नाम का एक ऐप दिखाएगा, उस पर आप क्लिक करना है। ये ऑलरेडी डिफॉल्ट तरीका से कंप्यूटर का OS जो सी ड्राइव है वो खोल के दिखाएगा, तो ये इस पर ही रहने देते हैं। और इधर हम लोग क्लीन अप सिस्टम फाइल देख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेटिंग कर रहा है कितना फाइल्स जो अनवांटेड फाइल है वो कैलकुलेट करके ये खुद से चूज करके आपको दिखाएगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको ये जरूरत नहीं है तो आप इधर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट करना है कह के एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। यदि आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो डिलीट फाइल्स पर क्लिक कीजिए, ये डिलीट कर देगा। मैं डिलीट फाइल पर क्लिक करूंगा, ये कुछ समय लेगा तो इस तरह से ये डिलीट कर देगा। इससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर में जो अनवांटेड फाइल्स है उन सबको ये डिस्क क्लीनअप मेथड से क्लीन करके देगा, तो आपका कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाएगा। वैसे तो हमारे कंप्यूटर में जो हम लोग नए नए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो टेम्पररी फाइल्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का वो सब कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं और डेटा या सर्विसेज को यूज करते रहते हैं, उसके कारण से हमारे कंप्यूटर का स्पीड स्लो हो जाता है। यदि आपको लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप नहीं यूज कर रहे हैं लेकिन वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो टेम्पररी फाइल्स को मूव करने के लिए हम लोग रन में जाएंगे, विंडो प्लस R दबाएंगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हम लोग इधर परसेंटेज temp परसेंटेज लिख कर इंटर करेंगे तो ये टेम्पररी फाइल ओपन होकर आ चुका है मेरे कंप्यूटर में। ये बहुत सारा टेम्पररी फाइल्स दिखा रहा है, आप इसको कंट्रोल A करके सब सिलेक्ट कर इसको डिलीट कर सकते हैं। और हम लोग अपने कंप्यूटर का ये विंडो जो यूज कर रहे हैं वो अप टू डेट है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। अप टू डेट नहीं है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। यदि आप अप टू डेट नहीं रखेंगे तो कुछ
सर्विसेज जो अपडेट होते रहते हैं वो नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है। सो उसके लिए स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर जाएंगे और अपडेट जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो इधर आप देख सकते हैं विंडो अपडेट, यू आर अप टू डेट। यदि आप अप टू डेट नहीं है तो चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करेंगे तो ये कौन सा अपडेट आ रहा है वो दिखाएगा, तो आप तुरंत उसको अपडेट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने विंडो को अप टू डेट रखेंगे तो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का परफॉर्मेंस इन सेटिंग्स को चेंज करके और मिला के अच्छा बना सकते हैं। सो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।